यहां यंग जनरेशन के लोग बैठे हैं, तो मैं और भी बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में सबसे पहली बार गुजरात ने एक इनिशिएटिव लिया है। अभी तक मैं कह रहा था दुनिया में पहला इनिशिएटिव हमारा फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, अब मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान में हमारा पहला इनिशिएटिव, और वो है हमने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी का इस बार असेंबली में बिल पारित किया। रक्षा के सिक्योरिटी की दुनिया में जो जाना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट है, क्यों ना उसको फॉर्मल ट्रेनिंग मिले, क्यों ना सभी विषयों का उसको ज्ञान हो, ताकि वो जहां जाए वहां एक्सपर्ट के रूप में अपनी कैरियर की शुरुआत करें। आज क्या होता है, पुलिस में अगर रिक्रूटमेंट करना है तो एक एडवर्टाइजमेंट आती है, जो नौकरी की तलाश में है वो अप्लाई करते हैं, जिनका सीना और ऊंचाई फिट हो जाती है वो एंटर हो जाता है, एंटर हुआ जो है उसको 9 महीने तक रगड़ा जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग देने वाले भी उसी प्रक्रिया से आए हुए लोग होते हैं, और बाद में जो प्रोडक्ट होती है वो प्रोडक्ट सरकार की पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा बन जाती है। ये पिछले कई वर्षों से चली हुई व्यवस्था है, क्या इसको बदलना नहीं जा सकता है? और उसी विचार में से आया कि क्यों ना हम 12th के बाद जिनको लगता है कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूं, पुलिस में जाना चाहता हूं, बीएसएफ में जाना चाहता हूं, एसआरपी में जाना हूं, मैं अपना सिक्योरिटी एजेंसी खड़ी करना चाहता हूं, मैं डिटेक्टिव एजेंसी शुरू करना चाहता हूं, ऐसे जिसके भी ऐसे नौजवान होते हैं जिनके मन में ऐसे सपने होते हैं, क्यों वो 12th के बाद किसी प्रकार के कोर्सेज के लिए अपने आप को फॉर्मल ट्रेनिंग के लिए उसमें भर्ती करें, उसमें ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, और बाद में जब उनको जहां पर नौकरी चाहिए, नौकरी की संभावना हो, वहां वो जाए तो एक ट्रेन्ड मैन पावर, और उसको सब जगह उसको क्राउड साइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी, यानी अदर देन डंडा बहुत सी चीजें उसको पढ़ाई जाएगी, उसको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा, उसको लॉ का ज्ञान होगा, उसको डिसिप्लिन का पता होगा, उसको फिजिकल फिटनेस का ज्ञान होगा, यानी बिफोर ज्वाइनिंग वो अपने आप को सज्ज करके आएगा, और एक प्रकार से अपनी इच्छा से सज्ज हुआ व्यक्ति आने वाले दिनों में गुड भी डिलीवर करता है। और इसलिए गुजरात देश का पहला राज्य ऐसा है कि जिसने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी को प्रारंभ करना तय किया है, ऑलरेडी तो इस बात हो चुका है, और हम चाहते हैं कि जून महीने से ये हमारी रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, पॉपुलरली लोगों के दिमाग में पुलिस यूनिवर्सिटी है, वो प्रारंभ कर दें, तो एक उस क्षेत्र में भी एक्सपर्ट मैन पावर, दूसरा क्राइम अगर होता है तो क्राइम की जड़ों तक पहुंचने का फॉरेंसिक साइंस का उपयोग, ऐसी दो प्रकार की व्यवस्था करते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। लॉ यूनिवर्सिटी के साथ भी इसको जोड़ा है, हमने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी को भी लॉ के साथ जोड़ेंगे, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को लॉ के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि हर चीज लॉ के तराजू से तुलने वाली है, लॉ की जिनकी एक्सपर्टाइज है उनको भी इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए, उस दिशा में हमारा प्रयास है। और मैं गुजरात के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति आदरणीय राधाकृष्णन जी का बहुत आभारी हूं, उन्होंने इस काम में इंटरेस्ट लिया, और हम चाहते हैं कि अल्टीमेटली इसका संबंध न्याय से ज्यादा जुड़ा है, और हम चाहते हैं कि उसकी एडवाइजरी कमेटी न्याय के क्षेत्र के किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन में चले। तुरंत उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया, और हाईकोर्ट के आदरणीय जज दवे साहब को इस काम के लिए उन्होंने समय देने के लिए भी कह दिया, तो हम पूरी तरह इसको सरकारी दायरे से बाहर निकाल करके चलना चाहते हैं, और तभी जाकर के उसके अपनी ताकत अपने आप को विकसित होगी, और मैं चाहूंगा कि लॉ और न्याय की दुनिया के लोगों के मार्गदर्शन में ये चले, नॉन साइंटिस्टों के मार्गदर्शन में चले, ग्लोबली विषय के ज्ञान रखने वाले लोगों के मार्गदर्शन में चले, इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में जो एक्सपर्टाइज है ऐसे लोगों के मार्गदर्शन में चले, तो एक प्रकार का टैलेंट पूल के साथ, कमिटमेंट के पूल के साथ, कमिटेड लोगों के पूल के साथ ये यूनिवर्सिटी आने वाले दिनों में फंक्शनिंग करे, इस विचार को लेकर के
आगे बढ़ने का प्रयास किया है। मैं श्रीमान व्यास जी का, उनकी पूरी टीम का, मूलतः तो एक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, एक छोटी सी टीम, एक उन्होंने जो साधना की हमारे यहां, हमारे देश के ऐसे इंस्टीट्यूशन की तरफ लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है, लेकिन मैं सच में कहता हूं मित्रों, मैं मुख्यमंत्री से नहीं कह रहा हूं, गुजरात की फॉरेंसिक साइंस लैब अपने आप में एक अध्ययन करने जैसा क्षेत्र है। मित्रों, ये कहां तक काम करते हैं, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। अगर पाकिस्तान में रेगिस्तान से कैमल के माध्यम से इन्फिल्ट्रेशन होता है, तो ये फॉरेंसिक साइंस लैब के लोग, ये जो ऊंट के पैर, उससे जमीन कितनी दबी उसका स्टडी करते हैं कि उसके ऊपर माल था तो जमीन इतनी दबती है, सामान नहीं था तो जमीन इतनी, सारा उनका साइंटिफिक स्पे होता है। फिर भी सरप्राइज, ये फॉरेंसिक साइंस लैब ने उसको डिजिटल करने का बड़ा अभियान चलाया। इन भी भेजी, यानी कैमल के पैर, उससे जमीन कितनी दबती है, इसका डिजिटल फॉर्म करना, देखो क्या साधना है भाई, रेगिस्तान में जाना, इतने सालों तक काम करना, सब जाकर के, और फिर उससे आसानी से कह पाएंगे कि हाँ भाई इस प्रकार के लोग आए होंगे, ऐसे लोग आए होंगे, वो बड़ी आसानी से अपनी बात कर पाएंगे। यानी देश की रक्षा के लिए किस प्रकार से काम एक छोटे से कमरे में साधना के रूप में हो रहा है, इसका हम अंदाज कर सकते हैं। मित्र, चाहे तेलगी कांड हो, चाहे वो जम्मू का शर्मा कांड हो, न कितने नाम, सबके सबका इन्वेस्टिगेशन यहां। और कभी इन्होंने मीडिया में जाकर के वाहवाही करने का प्रयास नहीं किया, और वही इस इंस्टीट्यूशन की ताकत है। उन्होंने सीक्रेट रखा, केस आकर के चला जाए, रिपोर्ट चला जाए, बाद में स्मेल आती है तो लोग को गुजरात सुनी तो दे, क्या गुजरात के लिए हुआ था क्या। मित्रों, ये मैं समझता हूं कि चीजों को इस प्रकार से बचाए रखना, वरना तो कोई भी पहुंच सकता है, गुनेगार की दुनिया का आदमी पहुंच सकता है, लीजिए भाई ये थैला है, आप काम कर दीजिए हमारा, लेकिन पता तक नहीं चलने दिया जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है। तो मैं इस फॉरेंसिक साइंस लैब के सब मित्रों को आज मुझे मौका मिला है, सार्वजनिक रूप से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अवसर बहुत कम मिलते हैं लोगों की तारीफ करने के, इसलिए मैं आज मौका छोड़ना नहीं चाहता हूं। और सचमुच उन्होंने गुजरात के गौरव को बढ़ाया है, नाम को बढ़ाया है, और क्रिमिनल की दुनिया को खतरा पैदा किया है। तो मैं इतना कह सकता हूं, मैं उन सबको बधाई देता हूं। आप सब आए इस महत्वपूर्ण कार्य में, आपने साक्षी बनकर के हिस्सा लिया है। आप 30-40 साल के बाद जरूर अपने बच्चों को बताओगे कि ये जब हुआ था तो आप वहां मौजूद थे। मैं इतना विश्वास से कह रहा हूं, मुझे याद है नर्मदा डैम का पहली बार जो शिलान्यास हुआ था, उस समय जो रिपोर्टर थे, मैं अभी तो उसमें से शायद एक तो जीवित हैं, लेकिन आज से 5 साल पहले जब भी मिलते थे तो एक बात तो जर्नलिस्ट जरूर कहता था, साहब उसका रिपोर्टिंग करने के लिए मैं था, उसको गर्व होता था। मैं पत्रकार मित्रों को कहता हूं, आपके जीवन में आज की घटना उसी प्रकार से अहम रखेगी। आप भी कहोगे तो दुनिया में पहली फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बने, हम पत्रकार मित्र वहां मौजूद थे, मैं उन पत्रकारों का भी आभार व्यक्त करता हूं आज। और इतनी एक मना एक स्कूल के कार्यक्रम में इतने लोग, इतना मीडिया हो नहीं सकता, ये अपने आप में बहुत बड़ा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, मैं उनका आभारी हूं। आदरणीय मुख्य न्यायमूर्ति जी का मैं आभारी हूं, समझ गया, न्यायपालिका के सभी महानुभाव आए उनका भी मैं बहुत आभारी हूं। फिर एक बार सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, उन विद्यार्थी मित्रों को जिन्होंने नए क्षेत्र में, नई यूनिवर्सिटी में कदम रखने का साहस दिखाया है, उनकी दीर्घ दृष्टि के लिए उनको बधाई, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।